हेलो फ्रेंड, क्या आपको भी अपने इंस्टाग्राम की ईमेल जो भी आपकी ऐड है आपको चेंज करना है? जो कि न्यू अपडेट आया है आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, सेटिंग्स से आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुके हैं इंस्टाग्राम के। तो आपको कैसे 2023 में आपको ईमेल चेंज करनी है वही मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आपको बिना स्किप करे वीडियो देखनी है, आपको मैं बता दूँगा कि कैसे ईमेल चेंज हुई। तो आपको ईमेल चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि क्या करना होगा। सबसे पहले आप इजी स्टेप बताऊंगा जिससे कि आप जल्दी से जल्दी ईमेल चेंज कर लें। आपको यहाँ पर एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन सबको मिलता है, तो आपको सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना। कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आपका यूज़र नेम नेम वेम लिख के शो हो जाएगा। तो आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग लिखा हुआ, देन आपको उस पर ही क्लिक कर देना। क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज होगा पर्सनल डिटेल, तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ और आपको लिखा होगा यहाँ पर। तो आपको सीधा सा आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना। फिर आपको कुछ सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कैसे चेंज करना, क्या करना है। आपको यहाँ पर नीचे की साइड मिलेगा ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, आपको ऐड न्यू कॉन्टैक्ट करना है। आप जैसे इसको करेंगे तो वो न्यू जीमेल ऐड हो जाएगी। आपको इस पर यहाँ से कुछ भी करेंगे तो आप यहाँ से ईमेल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऐड है उसे आप पहले हटा सकते हैं डिलीट ईमेल, या आप डायरेक्टली न्यू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट कर दें। आपको वहाँ पे पूछेगा विच वो यू लाइक टू ऐड, यानी कि नंबर ऐड करना चाहते हैं आप ईमेल, तो आपको क्या करना है वो आप कर लीजिए। यहीं से नंबर चेंज हो जाएगा, आपको इसी वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको ऐड ईमेल करना है, जैसे ही आप यहाँ पर ऐड ईमेल करेंगे फिर कुछ आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो ऊपर डला है, ऊपर आपको जो भी ईमेल ऐड करनी है वो डालनी है। जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पर डाली, और डालने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट कर दिया, फिर कुछ आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा इंटर कन्फर्मेशन कोड, और वो कोड आपकी जो भी आपने ईमेल डाली है उस जीमेल पे जाएगा। तो वो कोड आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपकी जीमेल पे जाएगा, और यही कोड को आपको क्या करना है यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपकी ईमेल ईजिली चेंज हो जाएगी, आपको कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही आप ईमेल चेंज ईजिली कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लेना, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही आपके लिए कमाल की और हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। और अभी तक कोई डाउट है या वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम में कमेंट में पूछ सकते हैं।